हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक नया दिन, एक नया सफ़र, एक नया व्लॉग। आज कोई काम रिलेटेड काम है नहीं, और ये दोस्त है मेरे जो सिल्ला रहे, वसीम भाई। तो आज जा रहे हैं हम बड़ौदा बाबा फरीद दरगाह पे, जो कि एक मिनी, पहले मेरा एक व्लॉग है पार्टी का, उसमें दरगाह के बारे में आपको कुछ ज़्यादा खास जानकारी दे नहीं पाया था। तो आज चलते हैं और आपको पूरी दरगाह बताते हैं। करामती दरगाह है वहाँ पर, जो बाबा फरीद सरकार ने ऐसी इबादत करी थी कि पूरे पेड़ उन्होंने मतलब उनके किसी करामत से उन्होंने पूरे पेड़ मोड़ दिए थे, बट आए हुए उसमें। वो आपको जाते हैं वहाँ पे और फिर हम बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो दोस्तों, स्टार्टअप हुआ है हमारा सफ़र चाय के साथ। चिनोदा में चाय कप प्लेट वाली, ये मेरी चाय है और ये मेरे दोस्तों की चाय है। चलते बाकी का सफ़र पूरा करते। ये हमारे नूरा भाई है और ये हमारे जुबेर भाई हैं, जुबेर खान, और हम तीनों जा रहे हैं अभी। और वहाँ हो सका तो पार्टी भी कर लेंगे अगर जम गया तो। और बाकी आपको दरगाह की पूरी जानकारी देंगे। चिल्ला शरीफ है, वहाँ दरगाह नहीं है, चिल्ला है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। चलते हैं और आपको बताते हैं। दरगाह देख लेना, गाइस। या हम पहुँच चुके हैं बाबा फरीद दरगाह, ये गेट है। बड़ौदा हम पहुँच चुके हैं मज़ार शरीफ के, चिल्ला शरीफ के सामने। और ये पीछे जो है ये फूल वगैरह की दुकान है। बैकग्राउंड मेरा थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो रहा, दिख नहीं रहा। बाहर आने के बाद एक बार आपको बताएंगे। वहाँ फूल वगैरह की दुकान है और इधर जो है ये वजूखाना बना हुआ है। तो ठीक है, अब अपन अंदर चलते हैं। ये दरगाह का ये मेन गेट है, यहाँ से ये जाने का रास्ता है। और बाकी अब आज आपको पूरी जानकारी देंगे अंदर चिल्ला शरीफ की, के अंदर किस तरह चिल्ला बना हुआ है, कैसा है। मस्जिद भी बन गई है और काफ़ी अच्छी, पहले से यहाँ पे सुविधा भी कर दी गई है और बड़ी मस्जिद बन रही है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। आते ही सबसे पहले हमें ये आलम शरीफ देखने को मिलता है, जिसका ये पुराने चिल्ले की जाली वगैरह यहाँ पे, ये गुल्लक है यहाँ पे, लोग जो भी तामीरात करना चाहें। ये जो जाली है पुरानी, ये पहले अंदर हुआ करती थी, अब अंदर नहीं, संगमरमर का काम कर दिया तो ये थोड़ा बाहर आ चुकी है। चलते अंदर और आपको पूरी जानकारी करवाते हैं। लाइट रोशन हो चुकी है यहाँ पे। ये थोड़े अमजद भाई है हमारे, इनसे थोड़ी जानकारी लेते। तो अमजद भाई, ये दरगाह कितने टाइम से यहाँ पे है और बाबा की क्या करामत है यहाँ की? ये सरकार बाबा फरीद रंजेश्वर की दरगाह है जी, चिल्ला शरीफ जी, पाकिस्तान जी। और यहाँ पे बाबा फरीद के कैसे आए थे और कितने दिन यहाँ रुक के गए थे? यहाँ सरकार बाबा फरीद सिल्ला मतलब इबादत करने आए थे 700 साल पहले जी। और यहाँ की करामत ये, यहाँ की सर जितनी भी इमली सब बल खाए, सब इबादत, सब बल खाए पीछे ना पीछे। ये जो पत्थर है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला पत्थर, ये वाला। तो दोस्तों, ये 300 साल पुराना पत्थर है और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो बावड़ी है ना जी मंदिर जी दिखवा दें। अच्छा पीछे एक बावड़ी है वो भी आपको बताएंगे वीडियो में। और उन जिनने ये बावड़ी बनवाई थी बंजारे ने ये बना रहा तब से 300 सालों से यहाँ मौजूद है। और ये बाबा फरीद सरकार का ये जो है तबर्रुक है और ये उनकी बैठक थी यहाँ पे गाड़ी जी। और ये दोस्तों पंखा है जो हर साल उर्स में चढ़ता है यहाँ पे, हर साल नया आता है उर्स में और उर्स दिवाली के बाद आता है यहाँ पे नवंबर के आसपास। दोस्तों फाइनली हम अंदर गादी शरीफ आ चुके हैं सरकार की। और ये गादी शरीफ है उनकी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अब जो है कुछ सालों से संगमरमर का बना दिया गया, पहले ये जो बाहर जाली लगी हुई थी वो जाली यहाँ लगी थी। और अंदर से ये दीवारों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बद मुबारक बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे चिराग रोशन है, यहाँ पे अल्लाह का नाम लिखा है। अभी वीडियो की वजह से शायद उल्टा रहा है, यहाँ पर चलता रहेगा जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे ये देखता है। और यहाँ पर ये मौला हुसैन का गुम्बद मुबारक बना हुआ है और भी है यहाँ पे दो, और वो भी आपको बताते हैं यहाँ पे चलते हैं आपको। और ये जो है दोस्तों शायद ये गौसे आजम सरकार का, मौला गौसे आजम की गुम्बद का बना हुआ यहाँ पे। और एक और ये फाइनल यहाँ पे इस कोने में ये जो है हमारा गरीब नवाज सरकार का गुम्बद मुबारक बना हुआ यहाँ पे। दोस्तों ये है यहाँ का चिल्ला और आपको थोड़ा सा और ऊपर का व्यू बताते हैं यहाँ पे। अमजद भाई जो है मेरे, ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, ये हमारे भाई हैं जिनकी इनके देखरेख में ये हैं ये चिल्ला शरीफ। तो अब ये यहीं पे है। तो अमजद भाई और कुछ जानकारी हो आपके पास? सरकार बहुत चिल्ला शरीफ है, देखिए आप देखो ये थे अमजद भाई ने सफाई चल रही है यहाँ पे, खिदमत चल रही है, खिदमत चल रही है अमजद भाई की। और माशाल्लाह ये अभी नहीं है, काफ़ी सालों से हमारे फुप्पा जी देते थे, फिर हमारे हमारे दादा देते थे, फिर हमारे बड़े पापा आए और अब अमजद भाई जो है यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं सरकार की। ठीक है, तो अंदर चिल्ला शरीफ से हम बाहर आ चुके हैं और अब आपको थोड़ा कुछ चीज़ें दिखाते हैं हम। ये यहाँ पे नई मस्जिद तामीर हुई है, इसका भी और काम चल रहा है, जैसे आपको मैं थोड़ा और करीब जाके बताता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीरें वगैरह लगाई गई है, जैसे आपको ये बैकग्राउंड में दिख रहा हो, ऊपर चार पत्थर लगे हुए जिस पे सूरत वगैरह लिखी है। और कलर का काम चल रहा है लगभग, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, कलर का काम अभी चल रहा है और ये गेट वगैरह जो है ये बनेंगे। और बाकी और मैं आपको बताता हूँ अंदर से मस्जिद, माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी बना दी इन्होंने, ये मस्जिद बड़ी कर दी है। अच्छा ये इमाम साहब जो आपका नमाज पढ़ाने लगा रहे हैं और ये अंदर से मस्जिद हो गई। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे पहले मज़ार चिल्ला शरीफ के उस तरफ जो है वो वहाँ मस्जिद वो छोटी पड़ती है मस्जिद उर्स के टाइम, जुम्मे के टाइम, क्योंकि बाहर के भी ज़ाहरीन हैं जो यहाँ आके जुम्मा पढ़ते हैं तो इसलिए वो मस्जिद छोटी पड़ती है। तो ठीक है, अब आपको बताते हैं पुरानी मस्जिद अभी जो अभी हाल फिलहाल में ये तो नहीं बनी है, और बाकी ये बाहर उर्स वगैरह में मेहमानों के बैठने के लिए ज़ायरीन जो आते हैं उनके लिए बनाया है। ये इसका काम भी प्रोसेसिंग में है, थोड़े टाइम में ये भी माशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पुरानी हमारी मस्जिद जो अभी हाल फिलहाल में है मस्जिद, ये आप देख सकते हैं। एक जनाब है नमाज पढ़ रहे अभी, कुछ नई मस्जिद, ये पुरानी मस्जिद है।
ये दोस्तों ये जो है ये मस्जिद छोटी पड़ती है तो इसलिए मस्जिद को बड़ा करा गया है यहाँ पर। और बाकी का व्यू मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे इस तरह से। और एक गेट है, ये गेट है अंदर से इसका नज़ारा ये है। बाहर से तो आपको दिखाई दिया था हमने, और ये अंदर से ये इमली है। अब आपको ले चलते हैं हम वो बावड़ी वाली जगह पे जहाँ पे सरकार की करामत है, जो सारी इमली बल खाई हुई है बाबा फरीद ने, उन सबको बल दे रखा। दोस्तों ये दरगाह कमेटी वाले हैं यहाँ पे जो बैनर लगे थे, अच्छा 779वां उर्स यहाँ पे मना लिया गया है। और अब जो इंशाल्लाह 2023 का जो उर्स आएगा वो 780वां रहेगा। और बाकी ये फूल वगैरह की दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे जो भी ज़ायरीन आए यहाँ पे फूल चादर तबर्रुकात इत्र वगैरह जो भी लेना चाहो तो ये दुकान है यहाँ पर, यहाँ से आपको फूल चादर वगैरह मिल जाएगी। और बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे खिलौने वगैरह की भी दुकान है। बाकी दोस्तों इधर भी मज़ा आते हैंगे और जो करामत है वो इधर ही है पेड़ों की, चलते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों इधर पीछे आने पे ये रास्ता है, यहाँ से हम आए ये दरगाह है ना, तो इधर से अभी हम आए ये इमलियाँ हैं। फिर तो पहला मज़ार हमें ये दिखा है, सामने आपको दिख रहा होगा, और बाकी ये छोटे मिनी मज़ार हैं। तो इधर हम चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर के और क्या है। और ये इधर अलम शरीफ सामने दिख रहा है, और ये है वो बावड़ी जिसका अभी हमने जिक्र करा था कि जिन्होंने बावड़ी बनवाई थी जिस बंजारे ने, उसने एक पत्थर दिया था जिस पे कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ तो मैं पढ़ नहीं पाया था, वहाँ सही दिख नहीं रहा था मेरे को। तो ये वो बावड़ी है और इस पर भी कुछ करामतें हैं, वो ही बताएँगे। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों ये रही वो बावड़ी, वो आगे कुआ है और ये बावड़ी है। तो ये अब बंद कर दी गई है, पहले वक्त में होगी ये चालू पर अभी तो लगभग बंद है ये, अभी ये अंदर जाना भी मना है यहाँ पे। और वो जो सामने दिख रही है दोस्तों, मैं जूम करता हूँ, ये जो है यहाँ पे भी बाबा फरीद ने ज़ियारत करी थी, ये भी उन्हीं की गादी लगी हुई है, यहाँ उनकी ज़्यादा बैठक थी ऐसा लोग बताते हैं यहाँ के। और बाकी जो इमली की बात थी, जो इमली मुड़ी हुई है बाबा फरीद की जो करामत है, चलिए अब आपको वो दिखाते हैं हम। ये रही वो इमलियाँ, ये सारे पेड़ अभी हम आपको करीब से जाके दिखाते हैं। दोस्तों ये रही वो करामती दरगाह, ये देखिए आप सारे पेड़ में बल दिले रहेंगे ऐसा बताते हैं। बाबा फरीद ने किसी वजह से इन पेड़ों में मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी उनके गुस्से की वजह से इन पेड़ों के और तो ये बल खा गए थे। अब मुझे पूरी जानकारी है नहीं, ये देखो वो जानकारी कोई है नहीं यहाँ पे। और ये वाला पेड़ भी आप देख सकते हैं, और ये एक पेड़ है, यहाँ पे कहीं अल्लाह लिखा हुआ भी था पहले, वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ लिखा हुआ था, वो है शायद ऊपर वाला, ये देख सकते हैं आप। हाँ। इस तरह की शक्ली हो गई है इस पेड़ की जिसमें आपको दिख रहा होगा। मैं क्यों एक्चुअली श्योर भी नहीं हूँ कि ये ही है या दूसरा पेड़ था, बाकी यहाँ पे मार्क तो कर रखे है, जैसे ये मार्क कर रखा है, वो मार्क कर रखा है, और वो ऊपर जो लिखा हुआ है वही है लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ पे हरे पेंट से करा हुआ भी है। और अभी जो वो है अभी मिटर चुका है, वो कलर मिटर गया है। और बाकी आप ये करामत देख सकते हैं, पूरे पेड़ में बले हुए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी एक और बाबा बंगाली यहाँ पे थे, अब उनकी कब्र पे आपको लेके चलते हैं। उनका ऐसा बताते क्योंकि मैं वो जब जिंदा थे तब मैं उनसे मिला हुआ भी हूँ, उनका पैर जो है आधा पंजा उनका गया हुआ था, तो मतलब ऐसा कि जैसे जख्म हो, तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपना पैर मच्छी को खिला जाता था। उनकी भी कब्र मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर बाबा बंगाली की कब्र है, ये अंदर यहाँ पर चलते हैं अभी हम, और बाकी आपको जानकारी बताएँगे। जैसे आप यहाँ से इस रास्ते से आएँगे तो ये रास्ता है, और ये यहाँ पर आपको अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये सब जो इतनी व्यवस्था हो गई ये सब उन्होंने ही करी थी उनके वक्त में। चलते हैं आपको अंदर और बताते हैं। दोस्तों ये कब्र है बाबा बंगाली की,
इनकी जिंदा करामत ये थी कि इन्होंने अपना पैर मच्छी को खिलाया जाता है, ऐसा बताते हैं। ये उनकी कब्र है और ये सब लंगर खाना इनकी तरफ से ही बना हुआ है। ये बाबा बंगाली है दोस्तों, इनकी बड़ी करामत है कि इन्होंने ये यहाँ पे लंगर खाना जो चालू कराया है और अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे अब्बा, ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर चालू है, लंगर भी चालू है। अच्छा अब्बा बताते, बाबा बंगाली का कि उन्होंने अपना पैर मच्छी को खिला दिया था, ये बात सही है? सही जी। मैं क्योंकि जब वो थे यहाँ पे तो मैं उनसे मुलाकात करने आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही बताया था। आते भी नहीं है। हाँ नहीं, उनके जो साथ में थे ना उन्होंने बताया था, सॉरी उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन वो दिल के राज जानते थे। हाँ वो दिल के राज जानते थे, बहुत कुछ बताते थे। बस थोड़ा सा, बस माशाल्लाह दोस्तों ये लंगर है। और जुबेर भाई और हम अभी क्या है कि भूख है नहीं लेकिन लंगर है, तब रुक के तौर पर खा रहे हैं। दोस्तों अभी जो है हमने लंगर खाया है और ये कुआ है भावड़ी का, इस पर इसको कवर कर दिया गया। पहले कवर नहीं था, जब मेरा जो बचपन था मतलब, तब ये अभी आज मैंने नोटिस कराया कि इसको कवर कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों ये बाबा फरीद की एक और ये मेन गद्दी है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक इबादत करी है। और ये जो कुआ है इसका एक और मैं, ये आप देख सकते हैं इसको, एक देख ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बाबा फरीद ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे इबादत करी थी। और ये जो कुआ है, एक वक्त में यहाँ पे पेड़ हुआ करता था, तो उस पेड़ की एक डाली थी यहाँ पे, और पता नहीं कौन से पेड़ की थी, एक इधर भी पेड़ है बरगद का, लेकिन इस कुएं के ऊपर एक डाली हुआ करती थी जिसके ऊपर बाबा फरीद किसी वजह से उसके ऊपर चढ़ के, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता उस बात को लेके, लटके हुए तो, और उस पर कुछ बलबल खाया था तभी शायद ऐसा कुछ सुनते हैं कि उस पर बल खाया था, तो ये पेड़ भी सारे मुड़ गए थे और इनमें भी बल आ गए थे। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, और कुछ जानकारी होगी तो बताएंगे। और बाकी हमारे दोस्त मित्र आ गए हैं पार्टी के मूड के हिसाब से, जब यहाँ निकले थे तो पार्टी का ऐसा कोई मूड नहीं था, बट अभी वो लोग आ गए हैं। तो एक पेड़ ये भी है, आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से वीडियो में सही आ नहीं रहा है। फिर ये पेड़ भी है, ये भी पूरा बलबट खाया हुआ है।